पेट्रोल गैस के माना के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में लखन सहित सियाराम मिले, लखन सहित सियाराम मिले। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि 11 लाख रुपए इस पे इनाम रखे हैं और ये क्या है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि इस दुनिया में जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो अवतार लेते हैं, वो किसी की समझ में नहीं आते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। जैसे राजू छाजर जी ने बताया कि जानी बैरागी वो कवि है जो मोटरसाइकिल से बाइक से अहमदाबाद में पहली बार आया था। अब इन्हें कैसे बताएं कि हम वो अवतारी दिव्य पुरुष हैं जो बाइक से आते हैं। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि अगला आदमी चाय बेच रहा था और चाय बेचते बेचते 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से जा रहा है। ये दिव्य पुरुष कैसे आते और कैसे जाते हैं किसी को इसलिए इस दिव्य पुरुष की शरण में तुम आ जाओ। मैं तुम्हें अभिदान दे दूंगा। सीबीआई ईबीआई ईडीबीडी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। समय सबको निर्धारित कर दिया गया है राजीव भैया ने कि सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। समय इतना कम है, इतना कम है कि ये कहने का भी समय नहीं है कि समय कम है। और आप मारवाड़ी कब से इस मंच से यही चीज बात हो रही 2 घंटे से। बोले मारवाड़ी लोग बैठे हुए, मारवाड़ी बैठे हुए हैं तो मारवाड़ी तो बैठता ही है। मारवाड़ी क्यों खड़ा होता है? मारवाड़ी तो बैठता ही, और बैठ बैठ के जाना कहाँ कहाँ से दूर दूर से बुला लिए। बेटी साहब को बुला लिया, लो साहब आप मारवाड़ी हो तो हम आपसे भी बड़े वाले मारवाड़ी हैं। और अब खास करके कुमार मियां को छोड़ करके हम जो 4 कवि हैं, हम खतरनाक वाले मारवाड़ी हैं। जब हमको मालूम है ये दौर अभी 22 जनवरी वाला पूरा देश सारी दुनिया जब राममय हो रही है, तो इस राममय में 500 वर्ष पहले बाबा तुलसी लिख करके चले गए कि वही जो राम रचि रखा इस दुनिया में वही होगा जो राम ने रखा है। राम के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो जब हमको ये पता है कि अगला आदमी 30 लाख रुपए ले जा रहा है धनुष रामचंद्र जी तोड़ रहे, तो हम उछल कूद क्यों करें? जरा दोनों हाथ खड़े करके हम तो मेहनत करेंगे। ये काम ऑलरेडी वही हो जो राम रचि रखा। चैनल वाले लोग उनको यही बोलो दिन रात लगे हुए परसों से, बोले कांग्रेस नहीं जाएगी राम मंदिर के उद्घाटन। मैंने कहा कोई बात नहीं, वही हो जो राम रचि रखा। बोले अब की बार मोदी जी 400 पार। मैंने कहा वही हो जो राम रचि रखा। ये सब राम की मर्जी से ही होता है। बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं आपके बीच में बिल्कुल कम समय लूंगा, कैसा समय लेना नहीं लेना ये सारी फोगट की बातें, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ अहमदाबाद के प्यारे लोगों, इस देश और दुनिया में इस हिंदुस्तान में जो भी हुआ है पूरी ईमानदारी से हुआ है। इस देश के 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने जब धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आई जाएगी। जरा हाथ खड़े करें, ये गुजरात का गर्व है मेरा भाई। हम लोगों के टाके में दर्द हो रही है, टाके में तो टाके में दर्द हो रहा। तो वो चिल्ला रहा है, बोले ये गलत हो गया, ये गलत। मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं हो रहा, वही हो रहा जो राम ने रचा। इसलिए आप सब चुपचाप देखते रहो, इंतजार करो। ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और तरह तरह की बातें कर रहे हो। अरे बोलो राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा ना, रोटी मिल जाएगी और ये मिलेगा और शिक्षा मिलेगी। और नहीं, मैंने कहा शिक्षा अच्छा तुमको इससे क्या लेना देना। ये डॉक्टर प्रोफेसर है, युग कवि कुमार विश्वास जी, बुद्धि प्रकाश जी डॉक्टर है, हमारे विनीत चौहान डॉक्टर, हमारे ये सारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर है। मैं गाँव का रहने वाला आदमी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, उससे क्या फर्क पड़ रहा।
मैं भी कर दू वही गाना जब ये जो कर रहे हो, जब यही करना तो फिर पढ़ लिख के राम मंदिर से रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, हनुमान का क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा राम मंदिर रोटी? 22 जनवरी के बाद में जिस जिसको ये तकलीफ है मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे बैठे हुए महाराणा प्रताप के बेटों, जिन लोगों को ये तकलीफ है कि राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा, मेरा उन लोगों से कहना है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के बाहर पेड़ी पे कटोरा लेके बैठ जाना, रोटी बराबर मिलेगी आपको, राम सबको देगा, क्यों नहीं मिलेगा? पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, गुजरात के लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सब उत्तर प्रदेश से है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि मैं हूं भी इसका एक बात जैसे बोल रहा हूँ, रोहित भाई कह रहे थे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इनका काम ही है, विनीत भैया और कुमार भैया दोनों हमारे बड़े कवि, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ, मेरी समस्या है कि एक तो दो इकट्ठे बड़े हो गए, अब इसको प्रणाम नहीं करो तो ये नाराज हो, इसको नहीं करो तो ये नाराज, मोदी जी की तो ये मजबूरी की, ये शंकराचार्य जी नाराज हो जाए, ये नाराज हो गया तो ये इस चक्कर में चलो शंकराचार्य नाराज हो, पर उन शंकराचार्य को कौन बताए क्या रखे विप्रधेनु सुरसंत, मैं चारों शंकराचार्य जी से देश कितने बड़े कविवर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के चारों शंकराचार्यों ने कह दिया कि हम अयोध्या के अंदर नहीं जाएंगे, मैं उन शंकराचार्य जी से गर्वित ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि अस्थि ढेर जब वहां चित्रकूट में राक्षसों ने अस्थियों का ढेर रखा रखा था, उस वक्त शारंग पाणि श्री भगवान श्री राम जो राक्षसों को मारा है मेरे भाई, इस देश के राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वही कोई जो राम जिसकी मर्जी पड़ा हो जाओ, जिसकी मर्जी पड़ा वो बन जाओ, नहीं यार मेरी माता बहने यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत बढ़िया शानदार मामला चल रहा है हमारे, एक बात में आपके बीच में बता देना चाहता हूँ, समय बहुत कम है और वाकई में समय बहुत कम है, परंतु इस बहते हुए समय में, दौड़ते हुए समय में, इस भागते हुए समय में, इस भागते हुए समय के अंदर में कहना चाहता हूँ हमारे कुमार भी आज हमें इस बात का गर्व है, हिंदी संपूर्ण हिंदी को इस बात का गर्व है कि 8,000 VVIP लोग अयोध्या में अवध धाम में सामने, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो, चाहे देश के 8,000 लोग सामने बैठेंगे और प्रभु श्री राम जी की 1 घंटे की स्पीच हमारे डॉक्टर साहब की होगी, ये हिंदी की जीत है, कुमार विश्वास की क्या पूरे देश के हमारे राष्ट्रमाता हिंदी की जीत है, इसलिए हमें इस बात का गर्व है, काफी हाउस के अंदर बैठे हुए लड़के और लड़की ये सारा पढ़े लिखे आप लोग भी पढ़े लिखे, मैंने पहले ही बता दिया मैं तो पढ़ा लिखा हूँ कोई मतलब नहीं, वहां काफी हाउस में बैठ करके लड़के और लड़की जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की रोशन की बाड़ियों की बात करते हैं, ऐसे युवा दौर के अंदर डॉक्टर कुमार विश्वास ने यह बताया कि इस देश का सुपरस्टार वो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन नहीं है, आजान भुज सर चाप उधर, अगर भुजाएं देखना है तो रघुनंदन की भुजाएं देखो और उस युवा पीढ़ी को उस ओर डाइवर्ट करवा जो राम कथा के माध्यम से पूरी देश दुनिया में हमारी राष्ट्रमाता हिंदी को जो मजबूत कर रहे हैं, मैं सदय कुमार विश्वास जी जिनकी जुबान पे 24 घंटे माता सरस्वती विराजमान रहती है, विनीत भाई का दिमाग खराब हो गया, बोले अगर इनकी जुबान पे सरस्वती माता विराजमान रहती है तो जब ये खाना खाते हैं तो सरस्वती माता को बहुत दिक्कत होती है, मैंने कहा सरस्वती जी को थोड़ा साइड से कर देते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर अकड़ आ जाए तो गुजरात के बेटे के नाम पर हाथ खड़े कर देना, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, दो काम कम करोगे तो चलेगा पर रघुनंदन की उंगली पकड़ रखो, दो काम कम करोगे चलेगा पर श्री राम की उंगली पकड़ रखो, श्री राम की उंगली पकड़ करके हम चल रहे हैं और चलते चलते ये देश इतना चल गया कि इस देश के बराबर कोई भी नहीं चल रहा है, राहुल गांधी जी ने 4,000 किलोमीटर चलने की कोशिश करी, खूब दौड़े मोदी जी को मालूम पड़ा कि ये कौन दौड़ गया, बोले राहुल गांधी दौड़ रहे, बोले क्यों दौड़ रहा, बोले ये देश जोड़ रहा, बोले दौड़ दौड़ के देश जोड़ रहा, बोले हम मोदी जी की ज्यादा उम्र वो दौड़ नहीं सकते, बोले इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते, बोले चीते, बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से चीते, बोले दौड़ के बताओ, अब वो चीते इतने दौड़े कि चीते की ईमानदारी की वो टीवी से बाहर नहीं कूदे, दौड़ रहे सब बढ़िया ही चल रहा है, सब जैसी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत सारा बंच के लोग बहुत बड़े
राजीव भैया ने बहुत मुझे प्रेरित करते हैं और कर... पुराने वाले राजीव भैया कह रहे हैं कि पुरानी वाली सुनाओ, मैं तो आदमी के तो अभी वही पहन देता और नई वाली में क्यों सुनाओ, जब सब कुछ प्रेम भाव इस देश के अंदर नेता लोग राजनीति, हमारे भैया कह रहे हैं कि राजनीति और नेताओं पे मैं बात नहीं करूंगा, राजनीति और राम मंदिर ऐसा नहीं, वो ये सारी ऐसा पिछले सब प्रेम भाव से रह रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में आप कह रहे हो मध्य प्रदेश और राजस्थान और वहां छत्तीसगढ़ में चुनाव, ऐसा कुछ नहीं, इस देश के अंदर सबसे बढ़िया एकता का अगर सबूत दिया तो राजनीति ने दिया है। अभी मध्य प्रदेश के 22 काल बीजेपी के कांग्रेस के विधायक कूद करके बीजेपी में आ गए, जब उनकी मर्जी पड़ती है तब वो इधर आ जाते हैं, जब इधर वालों की मर्जी पड़ती है तब उधर चले जाते हैं, मर्जी पड़े इतने कूदा कूदी करो, खूब रोको तुमको, ये देश कूदने के लिए बनाया हुआ है तो ये देश स्थिर रह जाए, इसलिए इस देश और युवाओं का नेतृत्व करने के लिए सात समंदर पार लोगों को ये बताया गया कि ये हिंदुस्तान है, ये विश्व गुरु है और पूरी दुनिया पे ये, जब पूरी दुनिया को जब श्री योगेश्वर कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर के निकले तो इस गुजरात के अंदर आकर के उन्हें द्वारकाधीश बनाया, ये गुजरात दुनिया को द्वारकाधीश बनाता है, राजा बनाता है, इस द्वारकाधीश ने ऐसा राजा बनाया जिस राजा को एक समय अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आज वो जीजा जीजा किता हुआ फिर में है। ये हमारा गुजरात है, हमें इस पर के गर्व है, मैं इस देश के युवा लोगों को प्रणाम करता हूँ और हमारे हिंदुस्तान के जो आइडल सुपरस्टार श्री स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पे हम विवेकानंद जी को प्रणाम करते हैं और एक बात आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, छुटपुट ताली बजाने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाइए, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिक जाएगा, विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है आपको, हमारी माता बहने यहाँ पर बैठी हुई है, इतनी सारी है, इस देश में नौजवान की शक्ति कहाँ लग रही है, सूर्य राय युक्ता मुखी लारा दत्ता प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती, इस देश में विश्व सुंदरी का दौर चला, सूर्य राय युक्ता मुखी लारा दत्ता प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती, अरे ऐश्वर्य राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है, विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी, विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है, विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े करिए, हाथ वापिस जल्दी से नीचे कर लो, ये मालूम पड़ेगा अगर घाव फट गया तो नुकसान किसका होगा, पद्मिनी का नुकसान थोड़ी हुआ, नुकसान अपना हुआ, और जब यहां से घाव फटते हो अंदर झांक के देखते हो तो बहुत गंदा लगता है, एक बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल समय कम है, मैं अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूँ, चार पंक्ति में आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, अहमदाबाद के बहुत प्यारे लोगों जरा एक बार मुझे समर्थन करना कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है और इस हिंदुस्तान के अंदर अगर ये महोत्सव हो रहा है और ये महोत्सव हमारी आस्था का प्रतीक है मेरे भाई, तो आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ खड़े हो जाए और मुझे विदा करना, मैं मेरा समय बिल्कुल कम करता हूँ और हम खुद डॉक्टर कुमार विश्वास जी जो हमारे देश के आज के हमारे युग कवि है, हम ऐसे युग कवि को सुनना चाहते हैं, मैं चार पंक्ति से विदा करना, दोनों हाथ खड़े करना, ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला, डीजल पेट्रोल तैयार रहे आपके, डीजल पेट्रोल गैस के माना के बड़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सहित सिया राम मिले, लखन सहित सिया राम मिले, वाह 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 वाह।